शिक्षा संवाद नाम से एक कार्यक्रम उमेश शर्मा जी और इनकी पूरी टीम पिछले एक महीने से आदमपुर में चला रही थी, जिसमें हर गांव में जा कर के इन्होंने वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, उनके माता पिता से बात की, संवाद स्थापित किया और ये जानने की कोशिश की कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या स्तर है। जब शिक्षा संवाद यात्रा शुरू हुई तो एक सबसे बड़ा सवाल था आदमपुर के अंदर के जो स्कूल हैं वो बंद हो रहे थे, 6 जगह पे धरना था। तो सबसे बड़ा जो जवाब सरकार की तरफ से आया वो ये था कि स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे कम आना शुरू हो गए हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। बच्चे क्यों नहीं हैं, इसका सवाल का जवाब किसने ढूँढा, वो कौन उसकी बात कर रहा था, ये हम लोगों ने इसमें देखा, इस शिक्षा संवाद यात्रा में, कि जो बच्चे हैं, जो 5वीं क्लास का बच्चा है वो अपनी किताब नहीं पढ़ पा रहा, 8वीं क्लास का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा, और ये हालात जो एक गांव की नहीं पूरे आदमपुर की है। एक गांव में एक स्कूल है जहां पे एक गरीब आदमी अपने बच्चे को भेज रहा था, उसकी माँ इतना मेहनत करती है, अगर आप आज गांव में जाके देखो बाड़ी के लिए, जो बाड़ी चुगने के लिए जो औरतों को किस तरह से लेके जाया जाता है, एक ट्रैक्टर होता है उसमें जानवरों की तरह ठोक के लेके जाया जाता है, वो दिन रात मेहनत करती थी कि सिर्फ मेरे बच्चे कामयाब हो जाएँ, पढ़ जाएँ। लेकिन उस सरकारी स्कूल में उस बच्चे का हुआ क्या? आप गांव में जाइए, 8वीं फेल, 7वीं फेल, 9वीं फेल, स्कूल ड्रॉप आउट इतने ज़्यादा हो गए, तो लोगों ने अपने बच्चों को उस बाड़े में से, मैं एक बहुत हार्श वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ कि ये स्कूल ना रह के एक बाड़ा बन गया, बाड़ा जहाँ पे बच्चों को काटा जाता है। हर बच्चा इंतज़ार कर रहा था कि कब 7वीं में जाऊँ, 8वीं में आऊँ और मैं स्कूल ड्रॉप आउट हो जाऊँ। 9th क्लास के अंदर बच्चे फेल होते जाते हैं, 60-70% बच्चा हरियाणा का 9th क्लास में फेल हो रहा था। यही वो कारण था जिसकी वजह से जो स्कूल है, स्कूल में बच्चे कम हो गए। दूसरी हालात जो मैंने गांव के अंदर देखी वो देखी छोटे ज़मींदार की। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स यानी कि जो 2 एकड़ से कम हैं, 2 एकड़ से कम वाले किसान 87% हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उस बाड़े में बच्चे को भेज नहीं सकते थे और प्राइवेट स्कूल की जो पीली बसें आती हैं उसमें बिठाने को मजबूर हो गए। तो हमने आदमपुर के अंदर इसका भी एक सर्वे करवाया जिसमें हमें पता चला कि 80-90% जो स्मॉल फार्मर्स है, छोटा किसान है, वो अपने बच्चे की फीस टाइम पे नहीं दे पा रहा। जब हम लोग गाँव में गए, मैं लाडवी में गया, मैं सदलपुर में गया, ढाणी मोहब्बतपुर में गया, मैं 38 गाँव के अंदर गया, वहाँ पर हर गाँव के अंदर जो माएँ हैं वो अपने बच्चे की डायरी लेके आई मेरे पास में, कहते देखो जी मास्टर जी, इसके अंदर देखो आपके है ना ये लिखा हुआ है कि कल फीस नहीं भरी तो बच्चे को भेज नहीं पाएंगे। गांव के अंदर ड्राइवर मिले स्कूलों के, जो उन्होंने बताया कि 30,000, 40,000, 50,000 फीस हो चुकी है बच्चों की, लेकिन वहाँ पर हर रोज़ लड़ाई होती है। एक बाप के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी, आप ये सोचिए कि जब उसके बच्चे को डायरी में नोट चढ़ा के भेज दिया जाता है कि आप कोई फीस भरो। दो तबका, एक मजदूर वर्ग और एक जो है आपका स्मॉल फार्मर, जो छोटा किसान है, छोटा ज़मींदार है, वो दोनों बर्बाद हो गए हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए। और ये शिक्षा व्यवस्था बर्बाद आज नहीं हुई, इसकी जड़ जो है 26 साल पहले से शुरू हो गई थी, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अभी जो सवाल है हमारे कि ये शिक्षा व्यवस्था बर्बाद क्यों हुई, क्योंकि पहला सवाल कुलदीप बिश्नोई जी से है, क्योंकि उनके हलके की ये व्यवस्था बर्बाद हुई, तो पहला सवाल उनसे कि जब भी किसी गांव के अंदर या किसी विधानसभा के अंदर बाढ़ आती है तो उसके प्रतिनिधि का क्या जिम्मेदारी होती है कि जो उससे पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाए। तो इन बच्चों के ऊपर एक बाढ़ नहीं, एक सुनामी आई कोरोना के बाद में। कोरोना के बाद पूरी दुनिया ने ये बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है और हमारे जो बच्चे हैं वो पिछड़ चुके हैं 2-2.5 साल के लिए। तो कोरोना में जब ये सुनामी आई तो कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ पर खड़े थे, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, मैं हर चीज़ की आपको एक कॉपी भी सेंड करूँगा जो अखबारों में ही छपी है कि 2 साल किताबें नहीं मिली कोरोना के बाद में, जब उनके हलके के 26,537 बच्चे सफ़र कर रहे थे कोरोना से, उनके पास किताबें नहीं थी, तो कबूल कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ पे थे? वो एक बात तो बोलते हैं कि भव्य बिश्नोई जी बाहर पढ़ रहे थे, आदमपुर के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन उनके हलके के 26,537 बच्चे पहले कोरोना से बर्बाद हुए और उसके बाद में उनके पास किताबें नहीं थी, उसका जवाब कौन है? तब वो कहाँ खड़े थे? 134 से, आप सभी लोग जानते हैं, 134 से का पेपर हुआ और उस पेपर के बाद में सरकारी स्कूलों के, जो प्राइवेट स्कूल ने मना कर दिया कि हमारे 700 करोड़ नहीं दिए, हम लोग पेपर देने के बाद में भी एडमिशन नहीं हुआ बच्चों का, वो 40,000 बच्चे जिनमें उनके हलके के भी बच्चे थे, जब वो स्कूलों के दर दर खा रहे थे तब कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ पे थे? और आदमपुर के अंदर आज बच्चा, 5वीं का बच्चा अपनी किताब नहीं पढ़ पा रहा,
ठीक है, और उसकी माँ जो है वो इतनी दयनीय स्थिति में है, जो छोटा फार्मर है मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज रहा है, जब वो लोग बर्बाद हो रहे थे तब कुलदीप जी कहाँ थे? सरकारी स्कूल में देखिए जी, जो सातवीं आठवीं नौवीं, आप गांव से शुरू कर देता हूँ मैं, यहीं से अपने पास से डंडूर, पीरावाड़ी, जीड़ी, इसके बाद में चंदनगर, संजय नगर, यहाँ पे आप जाके देखोगे गांव में नशा इतना ज़्यादा पसरा हुआ है, और नशे की जो जड़ शुरू होती है वो अशिक्षा से शुरू होती है। यहाँ पे लोग है ना स्मैक, चरस इतना ज़्यादा ले रहे हैं, और उसमें 99% गांव के अंदर, जैसे मैंने मौजूद लोगों से बात करी तो उन्होंने एक ही बात बोली मुझको कि जो बच्चा पढ़ाई छोड़ गया है उसके 100% चांसेस है नशे में। जब पूरा जो प्रदेश है, जो पूरा हल्का उनका नशे के उसमें जा रहा था, तब कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ थे? नौवीं क्लास के हज़ारों बच्चे फेल हो रहे थे, तब कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ पे थे? जब सरकारी स्कूल के जब स्कूल बंद हुए, बहुत सारे 200 स्कूल बंद हुए जैसे आपने इसमें भी देखा, और स्कूलों में मेरे को दुर्जनपुर गांव के अंदर गया तो उन्होंने, एक महिला ने बोला कि हमारा स्कूल बंद हो गया और मेरी बेटी का उस वजह से स्कूल छूट गया। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात करती है सरकार, जब बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही थी तब कुलदीप जी ने उनकी हक की आवाज़ कब उठाई? और एक गरीब के बच्चे का जब पढ़ने का सपना टूटता है, एक गरीब आदमी जो चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, जब उनके सपने टूट रहे थे पिछले 26 साल में, तब कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ पे थे? और जब गली गली में, आप किसी भी गाँव में जिनका मैंने नाम लिया, आप किसी भी गली में चले जाइए, चिट्टा गली गली बिक रहा है, नशा घर घर में मौजूद है, तब कुलदीप बिश्नोई जी ने पिछले 26 साल में उसकी आवाज़ कब बुलंद की? और नौवीं में फैल होके, आठवीं में फैल होके, जब एक युवा रोजगार के लायक ही नहीं रहा, नौवीं के बच्चे को जिसको इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिखना आता, क्या वो बच्चा नौकरी के लायक बन सकता है? यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो नंबर वन पे जो हरियाणा स्टेट आता है बेरोजगारी में, तब ये चीज़ें हो रही थी, तब कुलदीप बिश्नोई जी कहाँ थे? तो ये जो 10 सवाल हम लोगों ने कुलदीप बिश्नोई जी से पूछे हैं, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, अपने हलके के किसी भी गांव के सरकारी स्कूल के किसी भी स्कूल में वो मेरे साथ चले, अगर पाँचवीं के बच्चे 10% बच्चे क्या 5% बच्चे भी अगर अपनी किताब पढ़ पाए तो जो वो कह रहे हैं वो ठीक होगा, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो उन्हें ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। बिश्नोई जी का चुनाव है और हमको लगता है कि उनके बेटे की तो इस क्षेत्र में कोई उपलब्धि नहीं रही, ना भव्य बिश्नोई यहाँ पे रहे इस इलाके में कभी, ना भव्य बिश्नोई यहाँ के लोगों के बीच गए कभी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने गांव-गांव जाके वादा किया था कि अब मैं आपके बीच रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, लेकिन उसके बाद से वो लगातार विदेश में है। तो हमें लगता है कि भव्य बिश्नोई के कोई ऐसे क्रेडेंशियल नहीं है जिनके ऊपर वो वोट मांग सकें या वो चुनाव लड़ सकें। भव्य बिश्नोई 24 साल के कुलदीप बिश्नोई जी के कार्यकाल पर चुनाव लड़ रहे हैं, भव्य बिश्नोई जी कुलदीप बिश्नोई जी की क्रेडिबिलिटी पे चुनाव लड़ रहे हैं, और इसीलिए हम उनके 24 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उनके 24 साल के कार्यकाल में यदि उन्होंने कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की तो कोई ग्राउंड नहीं बनता कि भव्य बिश्नोई जी इस चुनाव में खड़े हो सके। वो अपने पिता के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि भव्य बिश्नोई जी खुद ना इस इलाके में रहे, ना उनके कोई क्रेडेंशियल्स है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है यहाँ।